ओम नमः शिवाय। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिन में 11:45 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में सुबह 6:20 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पुष्य नक्षत्र के जन्मे जातक शांत हृदय वाले, लोकप्रिय, विद्वान, खुश रहने वाले, माता पिता के भक्त, धन वाहन से युक्त होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान, चिंतनशील, कम खर्च करने वाले, तकनीकी कामों में निपुण और विषम परिस्थितियों का डट कर सामना करने वाले भी होते हैं। चूँकि पुष्य नक्षत्र सुबह 6:20 तक ही प्रभावी है, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र कायम हो जाएगा और दिन भर प्रभावी रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक अत्यधिक चतुर, बुद्धिमान, परिवर्तनशील आचरण वाले, निर्णय बदलते रहने वाले, कलात्मक अभिरुचियों वाले, संगीत प्रेमी, यात्रा प्रिय मानसिकता के होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्रमा, शनि और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी कर्क राशि में ही चलते रहेंगे। आज भी शुक्र, राहु और चंद्रमा की युति पूरे दिन कर्क राशि में बनी रहेगी। मंगल केतु मकर राशि में चलते रहेंगे और सूर्य बुध की युति मिथुन राशि में बनी रहेगी। मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयासों की गतिविधियां बढ़ेंगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। बुध का सहयोग पराक्रम बढ़ाने वाला और बौद्धिक क्षमता के इस्तेमाल में सहायक सिद्ध होगा। अपने कार्य क्षेत्र में सामने वाले के मंतव्य को बारीकी से समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा और उसमें आप सफल रहेंगे। अपने जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया चालू रहेगी और बहुत दिनों से सोचे हुए गृहस्थी संबंधी कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर मन का अंतर्द्वंद और मानसिक दुश्चिंता भी हावी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों के मानसिक बल में वृद्धि होगी और ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा। चंद्रमा के बुध के नक्षत्र में होने से कार्य क्षेत्र में सुधार मिलेगा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और व्यावसायिक गतिविधियां अनुकूल रहेंगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा, मगर अपने विभागीय अधिकारियों के सहयोग में कमी संभावित है। मेहनत करने की भावना विकसित होगी और संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। किसी अतिथि के आगमन से मन प्रसन्न होगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उच्च बौद्धिक क्षमता और दृढ़ आत्मविश्वास बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी और आर्थिक दृष्टिकोण से सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आते रहेंगे। सकारात्मक पहल जारी रखें, आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। साझेदारी के कामों में व्यग्रता और जल्दबाजी उचित नहीं होगी। अध्ययन अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मगर पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता और जिम्मेदारी के साथ साथ मानसिक व्यग्रता और कुतर्क करने की प्रवृत्ति भी विकसित होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अतिरिक्त आर्थिक लाभ संभव है, मगर स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता और पारिवारिक तालमेल में कमी भी संभावित है। सामंजस्य बनाए रखें। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। सिंह राशि वाले जातकों को अनावश्यक भागदौड़, मानसिक दुश्चिंता और सुख संसाधनों पर अनावश्यक खर्च वाला मिला जुला समय रहेगा, मगर मानसिक रूप से अपने आप को अच्छा व ऊर्जावान महसूस करेंगे। पहले से चले आ रहे नकारात्मक विचार और मानसिक दबाव खत्म होंगे। कार्य योजनाओं की सार्थक पहल जारी रहेगी। रुके हुए काम भी संपन्न होंगे। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और सफल महसूस करेंगे। छोटी यात्रा या प्रवास भी संभावित है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का समय कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ और उसको व्यवस्थित करने में बीतेगा। रचनात्मक पहल जारी रहेगी। चंद्रमा के बुध के नक्षत्र में होने से कार्य योजनाओं के लाभदायी अवसर सामने आएंगे।
संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। साझेदारी के प्रस्तावों में मित्र व सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। तुला राशि वाले जातकों को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा और निजी निवेश के प्रस्ताव सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में चली आ रही दुविधापूर्ण स्थिति खत्म होगी। नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा का निर्माण होगा और संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। साझेदारी के कामों में आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर विभागीय कर्मचारियों से सावधानी अपेक्षित है। महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकारियों का हस्तक्षेप संभावित है। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी संतुष्टि महसूस होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कामों में रुकावट और दुविधापूर्ण मानसिकता के बीच लगा रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र के विकास के प्रति ऊर्जा केंद्रित होगी और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। संबंधित मामलों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और यात्रा संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, मगर निजी कार्यों में रुकावट या बाधा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन अनावश्यक यात्रा, मानसिक तनाव और भ्रमात्मक स्थिति वाला संभावित है, मगर कार्य क्षेत्र की संतुष्टि बनी रहेगी और सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसमें शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, सफलता संभावित है और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सुकून मिलेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा और सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में मन लगेगा। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र के आवश्यक संसाधनों में खर्च का संकेत भी मिलता है। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वैवाहिक प्रस्ताव के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे, किसी मामले में साजिश के शिकार हो सकते हैं। आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। महत्वपूर्ण योजनाओं की रूपरेखा किसी से साझा ना करें। हालांकि कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नए प्रस्ताव के लिए आज का दिन उचित होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतें। आर्थिक मामले में सहयोग संभव है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण रह सकता है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।